hello my dear students we were doing the revision for pre midterm exams going to be held in your school that is divya brahmalok global academy this is part 2 of the revision in which we will be dealing with jumble words missing letters and match the columns so first let us start with the jumble words you will be marking the date this is the revision for pre midterm exam jumble words will be asked for 5 marks theek hai exam mein ek ek mark ke 5 questions honge to total 5 marks but here i am giving you 10 questions for practice theek hai आपको ये टेन अच्छे से करने हैं free बैठ के इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करने हैं सो दैट यू कैन राइट प्रॉपरली एग्जाम में कोई गड़बड़ ना हो एंड येस वेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर तो आपको ये जो जंबल वर्ड्स है उसका आंसर कैपिटल लेटर में ही लिखना है ठीक है कर्सिव में नहीं लिखना सो द फर्स्ट वन देखो आर ए डब्ल्यू एम टी एच देखो ये एम टी एच ऊपर से ही समझ में आ जाता है कि ये सीक्वेंस में है, ये उल्टा है तो ध्यान से देखो डब्ल्यू ए आर एम टी एच तो क्या बन गया वॉम्थ ओके देन ये देखो एफ ई एल आई ए एन एस पी इसमें कुछ रीअरेंजमेंट है ध्यान से देखो देखो एल आई एफ ई एल आई एफ ई एस पी एन देखो तो क्या बनेगा क्या बना लाइफ स्पेन देखो एल आई एफ ई एस पी ए एन नाउ थर्ड वन ए टी ए एम ओ टी एस इसको रिवर्स करके देखो तो एस टी ओ एम ए टी ए क्या बनेगा बनाना कुछ जाना पहचाना सा वर्ड एस टी ओ एम ए टी ए क्या बना यस स्टोमेटा स्टोमेटा क्या होता है these are the tiny holes present on the leaves with which the leaves are able to take in carbon dioxide hmm fourth one e e c r p e r ये तो बहुत आसान है ये देखो p e r सीक्वेंस में है ध्यान से देखो c r e e p e r क्या बनेगा व्हाट इज दिस यस क्रीपर वॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर येस वॉटरमेलन एंड पंपकिन फिफ्थ वन ए एल आई एम ए एन क्या हो सकता है एल ए एम आई एन ए दो दो वर्ड्स को इंटरचेंज कर दिया है क्या बना लैमिना लैमिना मतलब के लीफ ब्लेड वो जो लीफ का जो ऊपर वाला जो ब्रॉड हिस्सा होता है ना लेमिना देन ये W S L A L O W अभी इतने सारे W और L है क्या हो सकता है ध्यान से देखो S W A L L O W तीन तीन वर्ड्स को इंटरचेंज कर दिया है क्या बना यस yes, स्वेलो स्वेलो करके कौन खाता है यस yes, स्नेक है सारी की सारी चीजों को स्वेलो कर लेता है Then C. C -L -I -M -R -E -B. बहुत इजी है देखो स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है सी एल आई एम और सिर्फ ये रिवर्स किया है ई आर विच वर्ड दिस क्लाइंबर क्लाइंबर क्या होते हैं दीज आर प्लांट्स विथ वेरी वीक स्टेम्स क्लाइंबर का एग्जाम्पल येस ग्रेप्स देन पीज वेरी गुड नेक्स्ट जी एन आई जी एन ए डब्ल्यू इतने सारे जी इतने सारे एन क्या है सी जी एन ए डब्ल्यू आई एन जी ये सीधा सा है बट पीछे लगा दिया है जी एन ए डब्ल्यू आई एन जी क्या बनेगा यस नॉइंग नॉइंग एनिमल्स कौन कौन से होते हैं यस रैबिट्स एंड स्क्विरल्स जिसके फ्रंट टीथ दे आर चिजल शेप वेरी शार्प टीथ होते हैं आगे के देन सी आर टी ई एन सी ए क्या बनेगा सी एन ई सी टी ए आर टोटली जंबलिंग किया हुआ है इसमें क्या बना नेक्टर व्हाट इज नेक्टर नेक्टर इज द स्वीट जूस प्रेजेंट इन द फ्लावर्स और नेक्टर कौन सा करता है Yes, butterflies and honeybees. Last one, S U L U M I T S. बहुत easy है उल्टे से करो S T I M U L U S. क्या बनेगा Stimulus. स्टिम्यूल बने, बनेगा इस वर्ड से सो दीज यू हैव टू प्रैक्टिस प्रॉपरली ठीक है अच्छे से करना है आंसर भी आप ऐसे कैपिटल में ही लिखेंगे देन कम्स द मिसिंग लेटर इन योर एग्जाम यू विल हैव मिसिंग लेटर टाइप क्वेश्चन फॉर फाइव मार्क्स ठीक है एक एक मार्क्स के पाँच क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो मैंने क्या बोला था कि जो मैं आपको कीवर्ड्स देती हूँ न्यू वर्ड्स देती हूँ उसी में से मिसिंग लेटर भी आते हैं जंबल वर्ड्स भी आते हैं तो जंबल वर्ड से ही आपको आइडिया आ गया होगा कि दीज आर ऑल द टर्म्स विच आर फेमिलियर विच आर नोन टू यू इन द सेम वे इसका भी थोड़ा ट्राई करो सी डैश आई एम बी ई आर ये मिसिंग ये जंबल वर्ड्स में भी था अभी अगर इसको ध्यान से देखो C L I M B E क्या बना क्लाइंबर ओके देन एम आई डैश आर आई डैश क्या हो सकता है एम आई डी आर आई बी क्या बना मिड रिब किसमें होती है मिड रिब लेमिना में लेमिना में कहाँ एकदम सेंटर में थर्ड वन डब्ल्यू ए डैश एम टी डैश बहुत ईजी है डब्ल्यू ए आर एम टी एच वॉम्थ देन एल ए डैश आई ए आई डैश ए एल ए डैश आई डैश ए वट कैन इट बी एल ए एम आई एन ए लैमिना देखो अभी हमने मिड ड्रिप की बात की और यहाँ पर लैमिना आ गया फिफ्थ वन एन डैश सी टी डैश आर दोनों में एक ही वर्ड आएगा एक ही अल्फाबेट आएगा क्या आएगा एन ई सी टी ई आर नेक्स्ट वन एम ए डैश डैश ए एल एस देखो जैसे ऊपर वाले में एक ही लेटर आया दोनों ब्लैंक में इन द सेम वे यहां पर भी एक ही लेटर आएगा सेम लेटर एम ए एम एम ए एल एस क्या बना मैमल्स सेवेंथ वन t dash and d dash r here also you will have the same alphabet in both the blanks t e n d e r 8th one s o s dash o m a dash a here also you will have the same letter in both the blanks s टी ओ एम ए टी एस टोमैटा Ninth one R E डैश पी ओ एन डैश E so R E S P O N S E देखो अभी फिफ्थ वन सिक्स वन सेवंथ एट्थ एंड नाइन्थ में सिमिलैरिटी क्या थी कि जो लेटर फर्स्ट ब्लैंक में था वही सेकंड ब्लैंक में भी सेम टू सेम वो लेटर था बट ऐसा ज़रूरी नहीं है यू कैन सी फर्स्ट वन सेकंड वन थर्ड वन फोर्थ वन सब में अलग है दोनों ब्लैंक में अलग अलग लेटर्स हैं तो यहाँ पर टेंथ में भी ऐसा है देखो एस डैश आई एम डैश एल यू एस क्या आएगा एस टी आई एम रिस्पॉन्स एंड देन स्टिम्यूल सो ये भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ठीक है पांच मार्क का पूछा जाएगा आपको एग्जाम में वेन इट कम्स टू मैच द कॉलम्स इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो देखो एग्जाम में भी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी फाइव मार्क के पूछे जाएंगे एक एक मार्क का एक एक मार्क के फाइव क्वेश्चन टोटल फाइव मार्क्स हेयर आई हैव गिवन यू कॉलम ए एंड उसके सामने कॉलम बी उसका करेक्ट आंसर मैंने दिया हुआ है ठीक है तो बट एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो कॉलम ए में होगा उसका सीक्वेंस कॉलम बी में हम चेंज कर देंगे तो आपको मैच करना है अच्छे से पढ़ के देखना है कि जैसे समझ लीजिए कि कैबेज एंड लेट्यूस है तो आपको पता है कि स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड इन लीव्स बट एग्जाम में तो मैं आपको आगे पीछे सीक्वेंस में दूंगी तो आपको वो सीक्वेंस देखना है एंड देन एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है मतलब कि कॉलम नंबर ए जो होगा उसके सामने कॉलम नंबर बी का करेक्ट आंसर लिखना है अभी ये मैं प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ एग्जाम में मैं उसका जंबल करके दूंगी ठीक है आपको अच्छे से करना है ये सारा कुछ आपको नोटबुक में लिखना भी है जिसकी मैं आपको इमेजेस भेज दूंगी ओके बाय बाय